أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह हैरो आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको 6552 यानी 6552 के गेस्ट पेपर इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो काइंडली आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट भी आखिर तक वॉच करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके आल पे लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से इस्तफादा हासिल कर सके। फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का जी, बरसगीर और मगरबी ममालिक में नसाबी कुतबा के तारीखी पस मंज़र को तफसील से बयान करें। दूसरा है जी, नसाबी कुतबा की तदरीसी ज़रूरत पर बहस लिखें। ठीक है, पाकिस्तान का दरसी किताब का सिस्टम बरतानवी अहद की किताबी कमेटियों की रवायात की तवसी करता है। बहस करें कि पाकिस्तान का जौन सा दरसी किताब का सिस्टम है, नसाब जो है वो बरतानवी कमेटी की रवायात है, इस पर बहस आपने लिख दी है। नेक्स्ट है जी, सवाल नंबर 4, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के नसाबी कुतबा पब्लिशिंग के तरीक़ाकार किस का दूसरे मॉडल से मुवाजना करें जी, कि जितनी दूसरी भी मॉडल है उनका और अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की पब्लिशिंग का तरीक़ेकार पर आपने नोट लिखना है जी। दरसी कुतबा तैयार करते वक्त कलील और तवील मुद्दती यादाश्त के हवाले से क्या करना चाहिए? SMOG और फ्लैश फार्मूले में आपने फ़र्क लिखना है जी। सवाल को एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आपको नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, नसाबी कुतबा की तैयारी के तरीक़ाकार का तफसील से बयान करें। नेक्स्ट है जी, नसाबी किताब के जायजे के लिए बुनियादी मराहल और लाहे अमल कौन कौन से हैं? तनकीदी जायजा लिखें। नसाबी कुतबा की तैयारी के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स पर बहस लिखें। ये हमारे 9 सवालात हो चुके हैं क्लियर। काइंडली आप लोगों ने इन 9 को अच्छे तरीके से तैयार करना है। तालबे इल्म मर्तकीज़ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन की तफसील बयान करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 10 सवालात हमारे हो चुके हैं क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इन 10 सवालात को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना खास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। और एक अहम बात बताता चलूँ कि मैंने 9th से लेकर MA इंग्लिश तक ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर और कमेंट सेक्शन पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं अच्छे तरीके से उनको गाइड कर दूंगा। ऑनलाइन क्लासेस का दौरानिया बहुत शॉर्ट होता है और आपको एकेडमी में यानी ऑनलाइन एकेडमी में आपको इंशाल्लाह एडमिशन से लेकर पेपर के आखिरी दिन तक गाइड किया जाएगा अच्छे तरीके से। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।